हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं जा रहा हूँ रोड पर और आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली जो मैंने कल बताया था ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को मैं आज फेस करने वाला हूँ। आई मीन दिखाने वाला हूँ कि बताने वाला हूँ उसके बारे में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जा रहा हूँ और प्लस दिबांश जा रहा है, यानी कि मेरा भांजा है ना। तो अब मैं जा रहा हूँ रोड की तरफ को, ठीक है। ये दीपान से जा रहा है सामने आगे, है ना। और गांव में कोई होके जा रहा हूँ मैं, मतलब इधर की साइड अगर गांव से बाहर जाना हो ना तो पूरा गांव में को निकल के जाना पड़ता है। ये रास्ता ज़्यादातर वीडियो में आता है, जब मैं गांव वाली वीडियो जो आती है मेरी, तो मैं गांव से बाहर जाता हूँ ना तो इस रास्ते से जाना। अब मैं आ गया हूँ रोड पर और दीपांश भी चल रहा है मेरे साथ, है ना। तो दीपांश आई थिंक, मुझे लग रहा है यहीं पे देख रहा होगा, यहाँ पे नहीं देख रहा होगा, है ना। तो अभी पता चल जाएगा दीपांश देख कहाँ रहा है। तो हम चल रहे हैं वहीं पर, मतलब जो हमें लेने जाना है, और मैं अभी तभी दिखाऊँगा जब हम उसके पास पहुँच जाएँगे, है ना, कि वहाँ पर हम क्या लेने आए थे ना। तो और तेज़ी से चलते हैं, ठीक है। अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, आप देख रहे होंगे सूरज भी निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं टाइमिंग बहुत बताता कुछ, जैसे मैंने बताया कि 6 बज रहे हैं ना, 6:00 हो गए हैं, लेकिन सूरज वहाँ पे निकल आया है और मॉर्निंग में थोड़ा रेड कलर का होता है ना, तो वैसे ही दिख भी रहा है। और तो अभी तो हम सीधे चल रहे हैं, जो हमको लेना है वो थोड़ा आगे चल के मिलेगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं? बताना क्या लेने जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दीवान हम कहाँ जा रहे हैं, मजा आया। तो दोस्तों हम आ गए हैं, आई मीन पहुंच गए हैं, है ना। तो जो हम लेने आए थे ना, तो आई थिंक वो ये है, दिख रहा होगा। अभी और थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा इसको, तो पहले मैं इसको तोड़ लेता हूँ। जिसको भी पहचान पड़ रही है वो कमेंट में ज़रूर बताए कि क्या है ये। और इसके फूल भी आप देख सकते हैं, इसके फूल इस टाइप के हैं, इधर भी देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पेड़ कुछ इस टाइप का है, और इसकी जो मतलब तना होता है ना, उस पर कांटे टाइप के होते हैं। ये इस पर चुभ भी गया मेरे तो, है ना। और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से होता है सारा। तो मैं इसी को लेने आया था और इसी को लेने वाला हूँ। ये मैंने तोड़ लिया है, दीवान पकड़ो, एक और तोड़ लेता हूँ। कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो बस इतना ही तोड़ना था, तो ठीक है। तो दोस्तों मैं जो ये लेने आया था, मैंने आपको ये दिखाया कि मैं ये लेने आया था, ठीक है। तो इसको वैसे कहते हैं फूल बटन, है ना। तो आई थिंक अब इस फूल बटन को देख के आपको याद आ गया होगा कि जो कल मैंने एक बीमारी के बारे में बताया था ना थोड़ा सा, कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम की ये दवा है, है ना। आई मीन मेडिसन है ये, तो उस इस मेडिसिन को मैं मेडिसिन के रूप में यूज़ करने वाला हूँ उस प्रॉब्लम के लिए, जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि कल मेरे को हो रही थी, है ना। तो अभी मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो बस मैं इसको ले जाके घर पे और इसको धो करके इसके पत्तों को और उनको चबाने वाला हूँ। ये खाली पेट होता है ना सुबह मॉर्निंग में उठ के, ठीक है। तो अब तो मैं घर को चलूँगा, उससे पहले देखते हैं क्या होता है। दीवांश में बहुत तेज़ चलता है, इसको बहुत तेज़ चलने की आदत है, जैसे इसका बॉडी है फिर भी ये बहुत तेज़ चलता है।
अभी देखो मेरे से इसके मतलब पकड़े भी नहीं जा रहा इसको, और मैंने इसको रुकने के लिए बोला है तो अब ये थोड़ा सहम ही आ गया है, रुक गया है ना, तो अब मैं इसके साथ चलूँगा। और एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम्स है मेरे को, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तो अभी दीपांश तेज चल रहा है, पता नहीं है मुझे दिख रहा है। दोस्तों ये हैं वो पत्ते, ये धो लिए हैं और मैं खा भी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे बहुत कड़वे हैं, मजबूरी में खाने भी पड़ रहे हैं ना, दो ही खाए मैंने, बाकी रख दे रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मतलब खेत पर के, जहाँ पे खेत में भैया हैं, तो वो गन्ना खुद रहा है ना, तो पहले तो मैं उनके लिए खाना पहुँचा के आया था है ना, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ने आके खाना खाया है, तो खाना खाया है अब, तो खाने में मैंने बिल्कुल भी मिर्च वाली सब्ज़ी नहीं खाई है, मैंने बस थोड़ा दूध लिया और दूध से ही रोटी खाई है। आई थिंक जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप समझ गए होंगे ना क्यों नहीं खाई है मैंने सब्ज़ी। तो अब मैंने एक बोतल में पानी ले लिया है, भैया का फोन आया था कि पानी लेके आ जा, तो अभी एक बोतल में ले लिया है मैंने, और एक बोतल में पानी और लेना है, तो जिनके यहाँ पे भैया काम करवा रहे हैं ना, तो उनके यहाँ से लेनी है बोतल मुझे, ठीक है। तो वो दूसरी बोतल भी हमने ले ली है, मतलब मैं दीपांश जा रहा हूँ और दीपांश भी जा रहा है साथ में, दीपांश के कंधे पे दोनों बोतल लदवा दी है ना, तो दीपांश लेके जा रहा है। तो अभी हम उस गली में ही जा रहे हैं, एक बार जिसमें मैंने गली में पहले दिखाया था, ये पतली सी गली है, नहर वाली है ना, इसको नहर वाली गली बोलते हैं, और यहीं पे जा रहे हैं, पास नहीं है वैसे, बस पहुंच जाएंगे एक मिनट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जा रहे हैं घर को, पानी की बोतल हमने दे दी है, और पानी की बोतल हमने देने के बाद ना हमने वापस नहीं ली है, क्योंकि तो प्यास तो दोबारा भी लग सकती है ना, तो बार बार कौन आएगा पानी लेने के लिए, तो इसी वजह से हमने पानी की बोतल दे दी है। दीवांश और मैं जा रहे हैं घर को, लेकिन दीवांश का कहना है कि मामा हम चलेंगे सड़क की तरफ से, तो हम सड़क की तरफ से ही जाएंगे, ठीक है। दीवांश कह रहा है कि हम घूमते हुए चलेंगे, तो अब हम चलते हैं फिर सड़क की तरफ से, ठीक है। तो कमेंट में बताना कि ये क्या है, जो इतने सारे आपको ढेर दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये वो नहीं है कि चक्की चक्की नमक निकाल है ना, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ कि ये क्या है, पहले तो आप कमेंट में बताना है ना। तो ये जो मैंने दिखाया था ना, तो ये वो है जो पशु होते हैं ना, ढोर है ना जानवर, तो वो खाना खाने के बाद जो गोबर निकालते हैं, उनसे जो गोबर निकलता है ना, तो वो गोबर जो है ना घोड़ी में यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है, जहाँ इकट्ठा करते हैं उसको घोड़ी बोलते हैं ना, ये डंग है, डंग मतलब गोबर, तो उसको इकट्ठा करने के बाद कई साल के बाद या फिर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद उसको खेत में ला के डाल दिया जाता है, इससे जो है ना पैदावार अच्छी होती है। तो ये बस वही था, ये ढेरिया के ढेरिया है ना, मतलब इकट्ठा करके ये गाड़ी में से उतारते गए हैं, फैला दिया जाता है फावड़े से, और फिर फैलाने के बाद इसको फिर मतलब जुताई हो जाती है, और फिर इससे फसल अच्छी होती है, बस इसीलिए होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जा रहे हैं रोड की तरफ से, ये नहर भी जा रही है साथ साथ हमारे, या हम नहर के साथ साथ जा रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। और इधर ये वही है फैक्ट्री, आई मीन हॉस्पिटल, सॉरी यार फैक्ट्री कहने के लिए सॉरी, तो ये वही है हॉस्पिटल है ना, और ये सामने रोड आ गया है, तो बस हम टर्न होने वाले हैं लेफ्ट साइड को अपने घर के लिए, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, ये है डेट का पेड़ है ना, खजूर का पेड़, जब द ट्री ऑफ डेट है, डेट है ना, तो इस पर डेट वो लग भी रही है ना, हमने आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, ये है देखो चमक रही है ना, तो ये पक जाती है ना तो बहुत टेस्टी लगती हैं, और अगर ये पेड़ पे पक जाती हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, अगर सपोज इनको घर पे ला के पकाया जाता है ना, तब इतनी टेस्टी नहीं लगती हैं बट अच्छी लगती हैं। तो आ गए हैं हम रोड पे, ठीक है, ये इधर गुलड़िया मुरादाबाद को जा रहा है रोड, तो ये गांव की तरफ को जा रहा है, तो हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है। ये घोड़ी ना है, ये गधा है, गधा गधी। दीपांश ने पूछा है दोस्तों कि मामा ये गधे पे सामान लेके क्यों जाते हैं ऊपर को, तो है ना, तो गधे पे सामान लेके इसलिए जाते हैं कि गधा जो है ना ऊंचाई पे चढ़ जाता है सामान लेकर के भी, बस यही रीज़न है, नहीं तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब इंसान तो कहाँ तक ढोएगा ना, तो इसलिए गधों का यूज़ किया जाता है, आई मीन डंकी है ना, तो इनका यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए ज़्यादा ऊपर को, बस यही रीज़न है।
फिर अब हम बढ़ गए गाँव में को, जो कि आपने पहले भी देखा था। ठीक है, अब हम घर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों हम घर आ गए हैं और घर आके देखा कि पापा मेहनत में लग रहे हैं, आई मीन खाट बुन रहे हैं ना। मेरे पापा खाट बुन लेते हैं, मेरे से नहीं आती तो पापा खाट बुन रहे हैं वो। ठीक है, और गर्मी बहुत हो रही तो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।